ठीक है जी। तो जीपीआईएस वाला तो काम हमने कर लिया था, एडीसी शुरू किया हुआ। तो एडीसी का एक तो पहले हम कुछ सा फ्लैशबैक सा देख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। कि हमने देखा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि हमारे पास जो उसका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो क्या है, डिफाइंड एवरी इंस्टेंट पे, ठीक है, और उनको हम एक रियल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती है, कंटिन्यूअस टाइम हो जाता है, उसमें क्या कि आपका वाई एक्सिस जो है डिस्क्रीट हो गया, और जो डिस्क्रीट टाइम है उसमें आपका जो टाइम वाला एक्सिस है वो डिस्क्रीट हो गया, लेकिन जौन सा एम्पलीट्यूड वाला एक्सिस है वाई एक्सिस है डेट इज अ कंटिन्यूम, वो अभी भी कंटिन्यूम है। डिजिटल सिग्नल में हमें दोनों चीजें डिस्क्रीट मिलेगी, और इनफैक्ट हमने कहा था कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट वो खत्म हो चुका होगा डिजिटल सिग्नल में आके, हम इसके इक्विवेलेंट चीज यूज करेंगे इंडेक्स की, टाइम का उसका नहीं रहेगा कि इस टाइम पर किया उस टाइम पर किया, ऐसे ही कोई चीज नहीं रहेगी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। इसका हमने कहा था कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इसका ये होता है कि जो भी आपका एनालॉग सिग्नल होता है पहले आप उसको एक सर्किट होता है जिसे कहते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, उस सिग्नल को फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम रिटेन करता है, और वो रिटेन कर लेता है तो हमारा जो एडीसी होता है उसको सैंपल कर लेता है, रीड कर लेता है कि अच्छा क्या है, क्योंकि एडीसी को भी कुछ टाइम चाहिए कन्वर्ट करने में, ठीक है। एडीसी कैसे काम करता है, एडीसी काम मुख्तलिफ आर्किटेक्चर होते हैं, ये वाला जो एडीसी है ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का बेस का है, ठीक है। तो जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होते हैं वो हमने कहा था कि एक किस्म की कसौटी खेल रहे हैं कि अच्छा क्या ये वैल्यू 1000 के करीब है, ये 500 के करीब है, जो जिसके करीब करीब होती है वो वाली वैल्यू फिर वो आउट कर देता है। इंटरनल एक चीज कह लेंगे वो चीज चल रही होती है जो अप्रोक्सीमेट कर रही होती है जो इनपुट के ऊपर सिग्नल होता है, तो उनका जो डिफरेंस जो मिनिमल एक आ जाता है हमारे पास, तो उधर हम उसे वो वैल्यू आउट कर लेते। तो जब भी हमारी जो भी एडीसी होंगे उसमें दो चीजें हमें मिला करेंगी, एक सैंपल एंड होल सर्किट और दूसरा फिर एक कन्वर्जन का, जो कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन बेस भी होता है और कुछ दूसरे आर्किटेक्चर में वो भी हो सकता है। तो इसमें देख सकते हैं एक पिक्चर में आपका जो एनालॉग सिग्नल था टाइम डोमेन एम्पलीट्यूड दोनों में कंटिन्यूस हमें वो एक कंटिन्यू मिलेगा वैल्यू, इधर भी टाइम में भी और एम्पलीट्यूड में भी। सैंपल एंड होल्ड क्या करेगा कि जॉन सी है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम हमने कहा था रिटेन करेगा वैल्यू, वो किस लिए रिटेन करा, अगर उतना चेंज होगी तो एडीसी कन्वर्जन कुछ प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करी होगी कि इनपुट पर वैल्यू क्या आती, तो जो वैल्यू आई उसे कुछ देर रुकेंगे हम कन्वर्ट करेंगे, जब कन्वर्ट कर लेंगे हम कहेंगे अच्छा अब अगली वैल्यू ले आओ, तो ये वाला काम है। तो सैंपल होल्ड सिंपल ये होल्डिंग का काम करता है, और फाइनली फिर आपके पास ये डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा। इसको हम प्लॉट करें मैटलैब वगैरह में आप प्लॉट करके देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नीचे टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें सैंपल नंबर्स है कि सैंपल नंबर 1 है 2 है 3 4 5 इस तरह नंबर्स चलते हैं, इसमें इंडेक्स चलता है एक, ठीक है। टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, टाइम की इन्फॉर्मेशन पीछे तक थी, जैसे डिटेल डोमेन में टाइम की इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई है। तो इस सिग्नल को जब हमने रिप्रेजेंट करना था तो ये हम सिग्नल कुछ करते होते थे इस तरीके से रिप्रेजेंट के y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ए एक्स ऑफ टी, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर करते थे। अच्छा, और तो y ऑफ टी इज इक्वल टू ए एक्स ऑफ टी होता था कि a फॉर एम्पलीट्यूड और x ऑफ टी जो भी है इसका इनपुट। अच्छा, यहां क्या हो रहेगा, यहां हमारा हो रहेगा y ऑफ n और a x ऑफ n। तो t की इंफॉर्मेशन निकल चुकी है हमारी इसमें, और n जब आ गया तो n का मतलब है कि हम इंडेक्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, और ये n जो सा है बेसिकली इंटीजर में है। ये t जो सा था ये रियल नंबर हो सकता था, ये जो n है ये हमारा एक इंटीजर ही हो सकता है, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो बस फिर ये सैंपल नंबर हैं हमारे, और ये भी जो चीज है नाउ दिस इज आल्सो, ये नहीं उस तरह कि हम कहेंगे 3000 वोल्ट हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो 3 वोल्ट थी इसके कोई करस्पॉन्डिंग मैपिंग हुई है, इसको हम कहेंगे कि मैप कर दिया इसने 3000 वोल्ट पे, कोई कह लेंगे मैपिंग फंक्शन होगा। वो मैपिंग फंक्शन क्या किया करेगा कि ये जो है ना, इसको मैं लेट्स से कह देता हूं कि
मैप फंक्शन एम कहता हूं, ये मैप फंक्शन क्या करेगा कि 1 वोल्ट को हो सकता है रिप्रेजेंट कर दे 100 में, 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर दे हो सकता है 1000 में या 3000 में, तो इस तरह की जो मैपिंग होगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म मैपिंग है, यूनिफॉर्मली स्पेस मैपिंग है, जो कि इन इस एम्पलीट्यूड वैल्यूज को उठा के इस डोमेन में ले आइए कुछ थाउजेंड में, लेकिन इसको आपने ये नहीं कहना कि 3000 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। इस नंबर को जब मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो एग्जैक्टली मेरे पास इक्वलेंट यही चीज मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा डिवाइड, तो फिर होगा। इस चीज को आज हम देखेंगे कि कैसे होता है ये वाला काम। तो एडीसी हमने कहा था कि जो इसकी आउटपुट होती है वो एक कोड होगा या नंबर होगा, ठीक है, और उसके अंदर कोई ऑफसेट और स्केलिंग हो सकती है, ये स्केलिंग ही थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको। ये इसकी एक सिंप्लीफाइड सी डायग्राम है जो कि कहती है कि अगर आपका एनालॉग सिग्नल आप इस पिन के ऊपर दे रहे हैं तो एडीसी उसे कन्वर्ट करके एक नंबर में ले आएगा, उस नंबर की एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन से मुराद के उसकी कितने बिट का वो नंबर है, 2 बिट का, 4 का, 8 का, 16 का, कितने बिट का है। और ये वाला फिर जोन सा है, ये आपका सीपीयू फिर इसके से ऑपरेट कर सकता है इसके ऊपर। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसकी एडीसी मॉड्यूल की। अब एडीसी का जो हार्डवेयर है इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर मौजूद है, जो एडीसी हमारा उसका हार्डवेयर है, उसी क्या स्पेसिफिकेशन है, ये हमें हमने कहा था कुछ चीजें टिप्स पे होनी चाहिए हमारे। फॉर एग्जांपल नंबर एक चीज के ये 10 बिट का है, 10 बिट का है तो इसका क्या मुराद है कि ये जो भी कन्वर्जन करेगा एनालॉग सिग्नल की डिजिटल वर्ल्ड में, उस डिजिटल वर्ल्ड की रेजोल्यूशन उसकी विड्थ 10 बिट होगी, ये एक याद रखने की बात है। नंबर इसमें जो रेजोल्यूशन होती है ना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ये कहने के जितना ज्यादा होती जाएगी उतना हम सिग्नल को ज्यादा उसके एम्पलीट्यूड को ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने डिजिटल डोमेन में, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लोगों के अगर हम कहें कि 0 से 100 तक मार्क्स हो सकते हैं हमारे, हाँ, ओवरऑल एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो मैं कहूं कि यार वो जो 0 से 100 मार्क्स हैं, समझे कि वो हमारा कोई एनालॉग सिग्नल है, लेट्स अज्यूम फॉर अ टाइमिंग। अब मैंने उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है और मैंने एडीसी एक लगा दिया, लेट्स से 1 बिट का एडीसी होगा तो वो 2 लेवल देगा, जिसे हम एक को हाई कह देंगे एक को लो कह देंगे, या एक को हम पास कह देंगे दूसरे को फेल कह देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो लेट्स से अगर हम कह रहे हैं यार 0 से लेकर 100 तक हो सकते हैं हमारे, 0 से लेकर 100 तक कुछ हो सकता है, तो अगर मेरा एडीसी लगा और वो मैं कहता हूं अगर वो हाफ में डिवाइड करता है तो ये होगा कि 50 से नीचे वाले को डिक्लेयर कर देगा 0, 50 से ऊपर वाले को कह देगा वो 1, कह सकता कि नहीं। अब इस 0 में कौन सी रेंजेस आ रहेगी जो आपकी 50 या 50 से नीचे वाली है, 50 से लेस वाली सारी 0 में आ रहेंगे और 50 से ऊपर वाले 1 में आ रहेंगे। इस चीज को पहले तो अभी हम देखेंगे कि इस चीज को हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, फिर हम उस चीज पे जाते हैं कि 100 मार्क्स है, आपने कोई सिंपली ये पूछा कि पास है कि फेल है, तो हमने कहा कि 50% पे हमने पास रखा है, उसके नीचे फेल है, तो मेरे इंफॉर्मेशन बेसिकली 2 लेवल है ना, पास या फेल। पास को अगर मैं 1 कह दूं, फेल को 0 कह दूं, तो ये 2 लेवल्स बन गए हमारे, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब एक और काम हो सकता है, हम कहते हैं यार सिर्फ पास की इंफॉर्मेशन काफी नहीं है मेरे लिए, मैं कुछ और डिटेल चाहता हूँ, ग्रेड क्या है इसके, ठीक है। तो ग्रेड अगर लेट्स से कि हम कहते हैं हम दो पास फेल में तो कोई ग्रेडिंग नहीं हो सकती थी, यानी कि एफ हो सकता था और पास हो सकता था, हम 2 ग्रेड और इंट्रोड्यूस कर दें कि फेल ABC, ये वाला काम कर देते हैं। अच्छा मैं एक लिबर्टी इसमें यह लूंगा कि मैं फेल की रीजन जरा चेंज कर रहा हूं, या हम ये भी कह सकते हैं कि फेल की रीजन हम यही रहने दें, 50 पे ही रहने दें कि 50 से ऊपर वाला हमारा पास होता है, ऐसा ही है, और उससे ऊपर वाला जो रीजन पहले सिर्फ एक था ना, 3 लेवल इसमें डिफाइन कर दें, 17 17 के डिस्टेंस में हमने 3 लेवल डिफाइन कर दिए, तो 50 67
और प्लस हो गया तकरीबन 66.6 कह दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, 66.6, और ये हो जाएगा हमारा 84 तकरीबन। तो अब ये तीन लेवल्स बन गए हमारे, अब हम ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। यहां देखे ना, एक बंदे ने तो लिए हैं, किसी ने 100 मार्क्स लिए तो वो भी पहले पास ही हो रहा था, और जिसने 60 मार्क्स लिए तो वो भी पास ही था, कोई फर्क नहीं था हो रहा है ना। हमने कहा यार हमें कुछ डिटेल चाहिए ताकि ये बेचारा जो 100 वाला है और जो 51 लेके पास हुआ, इनमें तो कोई डिफरेंशिएशन हो। हमने तीन लेवल्स और इंट्रोड्यूस कर दिए ऊपर। अब हम इसको कह रहे हैं यार ए है, बी है, सी है, और ये पूरा रीजन एफ। अब देखें आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई ना, जब आपने लेवल्स बढ़ाए, आप कहते हैं यार ये भी काफी नहीं है। जैसे हमारे यहां ग्रेड ए होता है, ए माइनस बी प्लस बी बी माइनस, बहुत सारी लेवल्स बना दिए। तो लेट्स से हम कहते हैं हम चार लेवल से हम आठ लेवल्स पे चले जाते हैं। जब हम आठ लेवल्स पे चले जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से ग्रेड आ रहेंगे, ए ए माइनस बी प्लस बी बी माइनस और सी प्लस और सी और एफ। आठ थे ना, हो सकते तो अभी मैं इस पे रोकता हूं। अभी देखें जब आठ लेवल हुए हैं तो इस केस में क्या था, इस केस में जो 84 से जिसने ए ग्रेड लिया था और जिसने 100 लिए थे वो दोनों बराबर थे। अब क्या हो गया, अब ये जो 50 की रेंज थी आपकी, ये सेवन पार्ट्स में टूट चुकी है। पहले थ्री पार्ट्स में टूटी थी, अब सेवन पार्ट्स में टूट चुकी है। सेवन पार्ट्स में टूटने का क्या मतलब है कि ये वाला शायद 93 के ऊपर है, ये शायद 86 के ऊपर है, ये आपका 79 के ऊपर है, और एंड सो ऑन रीचिंग 50। अब जो 84 में पास हो रहा है उसका ग्रेड बन रहा है कोई हमारा बी प्लस है ना, और जो 94 में पास हो रहा है उसका ग्रेड बन रहा है ए। अब दो में डिफरेंस आ गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ जब आपके पास लेवल्स बढ़ गए। अगर मैंने 100 लेवल्स बना देते तो फिर क्या चीज होनी थी, फिर तो यही मार्क्स होने थे जो इनपुट मार्क्स थे हमारे, ऐसा ही होना था ना कि 0 से 100 तो एग्जैक्ट हम बता सकते थे कि 100 किसके हैं, 99 किसके हैं, है ना, ऐसे ही था। तो ये तो जैसे जैसे आप लेवल्स बढ़ाते रहते हैं आपकी उतनी डिटेल बढ़ती जा रही है, आप उतना एक्यूरेटली एक्चुअल केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां तो जब आपने 100 लेवल्स कर लिए, 100 लेवल्स करने का क्या मतलब है कि आपको कितने बिट का चाहिए, टू रेस पावर 7 कितना होता है 128, और टू रेस पावर 6 होता है 64। तो 6 बिट से तो काम नहीं चलेगा, तो 7 बिट्स चाहिए आपको। तो 7 बिट का वर्ड होगा आपका जो कि इस 100 के केस को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में तो हम बड़ा एक्यूरेटली प्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे नंबर हमने जूम किया होगा इंटीजर्स में होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें कभी ये नहीं होता जो फाइनल मार्कशीट होती है कि 25.5 मार्क्स लिए थे, ऐसा नहीं होता, इंटीजर्स में होते हैं वो हमेशा नंबर आपके। इसलिए वो अगर आप नंबर आप लेवल उतने ही कर रहे जितने इनपुट नंबर से, आप एग्जैक्टली वही चीज वो कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन लेकिन अगर हम कोई वोल्टेज सिग्नल की बात कर रहे हैं, कोई एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, और वो एनालॉग सिग्नल लेट्स से हमारा कोई 0 से लेकर 5 वोल्ट तक हो सकता था, तो वो 0 और 5 के दरमियान पता नहीं कौन कौन सी वैल्यू देख सकता था, इट डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो हो सकता था कि इस जगह के ऊपर रीड करता 1.12, यहां कहता यार 3.65, इतना हो सकता था। अब ये 0 से 5 वोल्ट तक की चीज है जिसे हमें प्रेजेंट करना है डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना 10 बिट का होगा हमारा, तो 10 बिट का होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पूरे 0 से 5 वोल्ट तक वाली जो रेंज है इसको कितने लेवल्स में तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 10 में, यानी कि 1024 लेवल्स में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक यानी 5 वोल्ट हमारा हो जाएगा 1024 या 1024 माइनस 1 विच इज 1023, और 0 हमारा 0 ही रहेगा और बीच में ही लेवल होंगे अब तक। तो जो सा लेवल करीब तरीन होगा उस लेवल के वो डिस्क्रीट वैल्यू ले लिया करेगा। अब आप देखें अगर यहां 10 की बजाय होता है 16 बिट्स होते तो 65,000 लेवल्स हो सकते थे, हम ज्यादा एक्यूरेटली इनपुट वैल्यू को कर सकते थे। अगर 24 बिट होता तो हम और अच्छे तरीके से कर सकते थे। अब यही वजह जो हमारे ऑडियो सिस्टम्स होते हैं जो से अब टिपिकली तो 16 बिट के ऊपर चल रहे होते हैं, यानी कि हम 65,000 लेवल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारी ऑडियो होती है म्यूजिक साउंड।
लेकिन जो अच्छे होते हैं एडीसीज वगैरह जिन पे हम करते हैं उसमें 24 बिट तक हम जा रहे थे, और 24 बिट का मतलब होता है कि आपका तकरीबन 65,000 से बढ़ के आप हो गए 8 या 16 मेगा लेवल्स। इसका मतलब है आप अपनी साउंड को उतना एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अच्छे अच्छे साउंड सिस्टम्स वगैरह होते हैं ना उसमें जो एडीसी वगैरह लगा होता है ना वो 24 बिट का नॉर्मली लगा होता है। लेकिन ये फर्क किसको महसूस होगा, जिसके ट्रेंड ईयर्स हैं, हर किसी बंदे को फर्क नहीं महसूस हो पाता कि यार साउंड में ये थोड़ा सा फर्क आ गया था, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं और कुछ चीज उधर मिस हो सकती है, जो कि यहां वो साउंड का लेवल जो होता ना वो यहां मिस करना मुश्किल है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एनीवेज ये थी हमारी कहानी रेजोल्यूशन, इसके ऊपर हम दोबारा भी आएंगे लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर में, हम इसको मजीद डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये था बताने का मतलब कि 10 बिट का 10 बिट की सिग्निफिकेंस क्या है, कि हम ये हजार तकरीबन 1000 लेवल्स में हम इसको ये इनपुट रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 13 चैनल्स है, हमने कहा था 13 डिफरेंट सिग्नल्स को हम सैंपल कर सकते हैं, ठीक है। एडीसी लेकिन हमने कहा था, एम्फसाइज किया था लास्ट टाइम कि एडीसी सिर्फ हमारा एक ही है, बाकी फिर रिसर्च कौन से एसोसिएटेड इसके साथ, ये दो रिसर्च इनमें रिजल्ट होगा और बाकी के तीन रिसर्च इनमें कॉन्फ़िगरेशन होती है। आज हमें यही सीखना है सारा कि रिजल्ट वगैरह कैसे डील करना है और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, इसका हमारे लेक्चर का पूरा टाइम इसी के ऊपर लगेगा। ब्लॉक डायग्राम कुछ डिटेल में, अब ये आपके वो 13 इनपुट्स हैं, 13 चैनल्स हैं जो कि हो सकते हैं, उन 13 की जो सिलेक्शन लाइंस हैं वो ये वाली सिलेक्शन लाइंस हैं, 13 के लिए हमें एटलीस्ट 4 सिलेक्शन लाइंस चाहिए, तो ये 4 सिलेक्शन लाइंस हैं हमारी। फिर ये कुछ रेफरेंस लेवल्स हैं जिसकी कहानी आज देखेंगे हम कि इन रेफरेंस लेवल से क्या मुराद है, और फिर जो चैनल सिलेक्ट होता है वो एडीसी को चला जाता है, एडीसी एक ही आप देख रहे हो, इनमें से जो सिलेक्ट हुआ होगा वो एडीसी को चला जाएगा और एडीसी से आप इसकी कन्वर्जन करके रिजल्ट लो और रिजल्ट हाई दे देंगे। ये लो और हाई क्या है, क्योंकि 10 बिट का है, 10 बिट का आइटम आपका 8 बिट में नहीं आ सकता, तो लोअर 8 बिट्स एक रजिस्टर में और 2 बिट्स इसमें, या डिपेंडिंग अपॉन इसमें जस्टिफिकेशन होती है कि अपर में भी हम 8 बिट रख सकते हैं और लोअर में 2 रख सकते हैं, उल्टा भी काम कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हम देखेंगे आज, ये उसी की जरा सादा सी डायग्राम है उसी चीज के, उधर कंट्रोलर एडीसी मारा, इधर था एडीसी उठ के इधर आ गया, पिने पहले लेफ्ट पे थी पिने राइट पे चलेंगे, सिर्फ इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है जो उधर एम्फसाइज नहीं हो सकती थी, ये स्विच पाथ है बेसिकली, कि जो आपकी सिलेक्शन होगी ना उस सिलेक्शन उस स्विच को ऑन कर देगी, वो सिलेक्शन जो ऑन हो जाएगा स्विच वो बेसिकली जाके आपके एडीसी का जुड़ जाएगा, बस ये वाली चीज इसमें एम्फसाइज करनी है, बाकी ये पिछली पिक्चर ही है। तो सबसे पहले आसान चीज से शुरू करते हैं, रिजल्ट से शुरू करते हैं, एडीसी का जो सा रिजल्ट है उसके साथ हमें कैसे डील करना है। तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर कन्वर्जन कन्वर्टिंग एन एनालॉग वैल्यू इनटू डिजिटल इज 10 बिट नंबर, ये जैसा कि हमने डिस्कस कर भी लिया। अब वो जो 10 बिट नंबर है वो कंफ्यूजन ये हो सकती है कि वो 10 बिट नंबर पढ़े कैसे होंगे, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं तो हालात कुछ ऐसे हो सकते हैं। कैसे वाला कि आपके 10 बिट नंबर है तो एक रजिस्टर हमारे पास ये है 8 बिट का और दूसरा ये है 0 से 7 0 से 7, रजिस्टर लेट से 0 है रजिस्टर या रजिस्टर ए है रजिस्टर बी है, इस तरीके से कह देते हैं इसको। अब 10 बिट्स है, अब आप खुद देखें 10 बिट्स को स्टोर करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, वो 10 बिट्स कौन सी हैं चले वो भी लिख लेते हैं। वो 10 बिट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 बिट्स हो गई, जी 10 बिट्स। बिट की वैल्यू तो 0 1 होगी, सिर्फ उसकी पोजीशन है, ठीक है ना, ये पोजीशन ऑफ द बिट्स है। अब ये बिट्स हमारे बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं, ये अगर हम अपने आप को लिमिट ना करें तो इन बिट्स को रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मसलन क्या क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक ये चीज हो सकती है। दूसरी दूसरी हो सकती है जनाब, इसको लेट्स हाँ ए और बी है, ए और बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भी हो सकती है। तीसरी
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट नाइन, ये भी एक हो सकती है। अच्छा अभी तक तो मैं राइट से शुरू कर रहा हूं, जैसे उर्दू में नहीं लिखते उत्तरी से लिख रहा हूं, अगर इंग्लिश स्टाइल में मैं लिखना शुरू करूं इसे, ये मैं अभी जस्ट कॉम्बिनेशन आ रहा हूं, इसकी कोई अभी लॉजिक नहीं, जस्ट के मुख्तलिफ रखने के तरीके हो सकते हैं बैटर। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जीरो वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन, ये भी काम एक हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह भी कोई रखने से हमें रोक तो नहीं ना रहा, हो सकता है पॉसिबल। अब यार ये जो थी, ये बेसिकली ये जो चीजें है ना, इसमें एक तो एडीसी वाली की कहानी है, या एक और कॉन्सेप्ट भी आया था कि आप जो इंफॉर्मेशन बिट्स हैं उनको आप मेमोरी से ला के अपने रजिस्टर में कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि एंडियन क्या है आपकी, एंड क्या है आपका डेटा का, ठीक है, किस एंड से आप यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं जो लोएस्ट एड्रेस पे जो बिट टैप पड़ी हुई उससे मैं राइट मोस्ट पे लेके आ रहा हूं तो इसको हम कहते हैं लिटल एंड, और अगर मैं उससे लेफ्ट से लेके आ रहा हूं तो उसे बोलते हैं बिग एंड, बिग एंडियन। दो लफ्ज होते हैं लिटल एंडियन और बिग एंडियन, तो अंडा नहीं होता है, अंडे का एक थोड़ा लिटल एंड होता है और एक थोड़ा बड़ा एंड होता है, ठीक है ना। तो मुझे इस तरह बनाना चाहिए, नहीं ये अंडा कुछ अजीब से बन रहा है, ये कुछ बेहतर हो गया, अभी भी खैर कोई इतना बेहतर नहीं है, लेकिन ओके दिस इज द लिटल वन एंड दिस इज द बिग वन, ये बिग एंड है। तो ये जो चीज है लिटल एंड, ये लिटल एंड है हमारा, कि लोअर जोन से मेमोरी डिस्प्ले जो बिट्स आ रही है, ये बाइट्स आ रही है, अभी तो बिट्स की बात हो रही है, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आ रहा है तो दैट इज द लिटल एंडियन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द बिग एंडियन रिप्रेजेंटेशन। एक तो ये कहानी है, ये आप जो भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे आपको ये माउस का देखना पड़ता है कि यार इस सिस्टम में प्रोग्रामिंग करते हुए ये लिटल एंडियन सिस्टम है कि बिग एंडियन है, और बाप का ये सेटिंग होती है सिंपली, आप एक ही सिस्टम को सेट कर सकते हैं बिग एंडियन के तौर पर ट्रीट करना और एक ही को सेट कर सकते हैं लिटल एंडियन के तौर पर ट्रीट करना, ठीक है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं इसमें लिटल एंडियन में काम करें, एक बात तो ये, जैसे ही हमने ये काम किया साथ ही हमने इस कहानी को तो खत्म कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि हम लिटल एंडियन में काम कर रहे हैं। अच्छा अब लिटल एंडियन में ये तो थोड़ी बिट की, अब ये है कहानी के बाइट वाइज क्या हालात है, कि जो लोअर बाइट थी वो कहां जाएगी और अपर बाइट कौन सी थी वो कहां जाएगी, ठीक है, उसकी भी। तो एक बिट वाइज एंडियन होती है और एक बाइट वाइज एंडियन होती है, कि बिट्स के हिसाब से विद इन द बाइट बिट्स कैसे अरेंज हो रही है और एक एक बाइट इटसेल्फ कैसे अरेंज हो रही है, ये दो जरा डिफरेंट चीजें हैं, कि बाइट के अंदर अरेंजमेंट कैसी है और बाइट खुद कैसे अरेंज हो रही है। अब बाइट की अरेंजमेंट से क्या मुराद है, बाइट की अरेंजमेंट से ये मुराद है कि अगर आपका बाइट्स मेमोरी में ये पड़ी हुई है जीरो एक्स ए बी जीरो एक्स सी डी जीरो एक्स ई एफ जीरो एक्स जी नहीं जी एच नहीं भाई बहुत हो गई मान लो। अब इसको मैं अगर स्टोर करता हूं एक 32 बिट के नंबर में, तो 32 बिट के नंबर में अगर मैं इसे स्टोर करूं तो ये वाला डेटा मेरा इधर कैसे आएगा, अगर लिटल एंडियन है, अगर लिटल एंडियन है तो इस तरीके से आएगा ए बी सी डी ई एफ वन जीरो, ये लिटल एंडियन है बाइट बाइट लेवल के ऊपर। और अगर ये बिग एंडियन होता, ये लिटल एंडियन है, अगर बिग एंडियन होता तो इसे उल्टा हो जाता था ए बी सी डी ई एफ वन जीरो, ये इस तरीके से होना था। इंटेल बेस्ड जो सिस्टम है, इंटेल प्रोसेसर बेस्ड या हमारा ये कंट्रोलर है जोन सा, इसमें चीजें लिटल एंडियन में चल रही हैं। अच्छा नेटवर्क वगैरह के इंटरफेसेस के ऊपर नॉर्मली चीजें बिग एंडियन में चल रही हैं, या लिनक्स सिस्टम्स के ऊपर बिग एंडियन में होती हैं, तो इस तरह होता है। लेकिन अल्टीमेटली पहले इशू होता था, अब ये होता है कि अब सॉफ्टवेयर सिस्टम में ना बेसिकली एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग आप करते हैं तो लिटल एंडियन में कर लेगा, दूसरी कर लेंगे दूसरे हिसाब से, लेकिन पता होना चाहिए कि आप किस एंडियन में काम कर रहे हैं, क्योंकि सेम नंबर लिटल एंडियन में कुछ और बन जाता है, ये देख लें बिल्कुल चेंज हो गया ना, चीज ही चेंज हो गई, और बिग एंडियन में जाके कुछ और था, सेम नंबर तो सेम होनी चाहिए, एंडियन सेम होनी चाहिए जब आप प्रोसेस करने लगे, नहीं तो फिर आपकी चीजें गलत हो जाती हैं। तो ये एनडीएनएस की थोड़ी सी डिस्कशन थी हमने कर ली। अब यहां आके देखें यहां क्या हो रहा है, यहां ये हो रहा है कि यहां दो ऑप्शन उन्होंने हमें दिए, वो दो ऑप्शन क्या है, वो दो ऑप्शन ये है कि हमारा रिजल्ट या तो राइट जस्टिफाइड हो सकता है या लेफ्ट जस्टिफाइड हो सकता है।
अब ये टर्म आपने पढ़ी होगी, कहां कहां पढ़ी है यार जस्टिफाइड की? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी काम किया हो और पैरा अगर आप उसमें लिखते हैं तो पैरा की ना वो एक होती है सेटिंग कि पैरा को आपने लेफ्ट जस्टिफाई करना है या पैरा को आपने राइट जस्टिफाई करना है, वो देखा होगा ठीक है, ये वही वाली जस्टिफिकेशन है। तो अगर राइट जस्टिफाई है तो राइट से हो जाएगा और लेफ्ट है तो फिर लेफ्ट से। अच्छा लेफ्ट से क्या मुराद है? लेफ्ट से मुराद है कि अगर मैं दो रजिस्टर्स, एक रजिस्टर इधर रख दूं एक रजिस्टर इधर रख दूं, अगर इस तरह पड़े हुए तो राइट से मुराद ये कि यूं चलेगी कहानी और लेफ्ट से मुराद होगी कि हाई पहले पूरा फुल होगा और उसके बाद जो लो वाली है उसकी ऊपर वाली दो बिट्स फिल होंगे, और अगर राइट जस्टिफाइड है तो लो वाला पूरा फिल हो जाएगा और हाई वाले की शुरू वाली दो बिट्स ये फिल होंगी। ये एक फर्क है। डिफॉल्ट इसकी सेटिंग क्या है? डिफॉल्ट इसकी सेटिंग ये है एडी एफ एम इक्वल टू क्या जनाब? वन। तो वन मिल रहा है इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो हमें चीज मिलेगी ना जस्टिफिकेशन, वो हमें मिलेगी राइट जस्टिफिकेशन कि लो हमारा पूरा फेल होगा और जो हाई होगा उसकी सिर्फ दो बिट्स होंगी। तो जब आपका तो होगा क्या होगा ये कि जब आपका एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर लेगा, जब वो कर लेगा तो वो रिजल्ट को क्या करेगा? दो रजिस्टर्स में डाल देगा। ये रजिस्टर्स का नाम है एडीआर, एडी रिजल्ट लो, एडी रिजल्ट हाई, एडी फॉर एडीसी, आरईएस फॉर रिजल्ट और एच फॉर हाई, ठीक है। तो इन दो रजिस्टर्स में हमारा होगा, अगर ये हम पिछली पिक्चर भी देख लें, ये देखें कि जब एडीसी ने कन्वर्जन कर ली, ये उसका जस्टिफिकेशन का हार्डवेयर है जो कि बताएगा ये राइट जस्टिफाई करना है कि लेफ्ट करना है, और उसके हिसाब से हमारे इन रजिस्टर्स में रिजल्ट होगा। तो अगर हमारा रिजल्ट है राइट जस्टिफाइड और हमें एडी रिजल्ट लो में क्या मिला है? एडी रिजल्ट लो में लेट से हमें मिला है एवी, और एडी रिजल्ट हाई में हमें लेट से मिला है जीरो हेक्स जीरो और वन। अब ये आपको रिजल्ट मिलेगा एडीसी की कन्वर्जन का। अब एडीसी का रिजल्ट कितना हो सकता है? 10 बिट्स का हो सकता है मैक्सिमम। ये आपको दो रजिस्टर्स में मिला है, अब हमें इनको जोड़ना है, ये अलहदा अलहदा टूटे हुए हैं, इनको हमें जोड़ना है। तो बाइट से बड़ी डेटा टाइप कौन सी होती है? अगली बड़ी डेटा टाइप कौन सी होती है? शॉर्ट की या इंट? पिक में तो इंट भी हमारा टू बाइट्स का होता है, तो इंट का बना ले, तो इंट का बना लें आप। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इंट रिजल्ट इक्वल टू व्हाट? अब आपका रिजल्ट कैसे प्रेजेंट होगा? यानी अगर ये लो और हाई है तो लो में ये चीज पड़ी हुई है ए बी और हाई में पड़ा हुआ है जीरो वन हेक्सा में। हमने क्या करना है? अब इनको जोड़ के एक ही वर्ड में लेके आना है 16 बिट के वर्ड में। तो इंट रिजल्ट एडी रिजल्ट हाई को हम शिफ्ट लेफ्ट देंगे, कितना शिफ्ट लेफ्ट देंगे ये आपने बताना है, और फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और किसके साथ करेंगे ये आप लोग बताएं। देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का है। अब ये जो 8 बिट है इनको उठा के हमने इसके अपर पार्ट में लेके जाना है, इधर लेके आना है। तो क्या करना होगा जब कभी ऊपर मूव करना होता चीजों को? क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते होते हैं हम? शिफ्ट लेफ्ट का। अगर हमने ऊपर की तरफ मूव करना है, अगर लोअर बिट को हायर बिट की तरफ लेके जाना तो शिफ्ट लेफ्ट करते हैं। अब कितने शिफ्ट लेफ्ट करेंगे? पूरा रजिस्टर की लेंथ जितनी है, रजिस्टर की लेंथ कितनी है? 8 बिट्स। तो 8 की शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और 8 की जब, तो ये 01 क्या होगा? 01 जो यहां पड़ा हुआ है, जब इसे शिफ्ट लेफ्ट बाय 8 करेंगे तो ये 01 साहब मूव करके इस जगह पे आ जाएंगे, और ये वाली चीज हम चाहते हैं एज इट इज इधर आ जाए, तो और का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे बिट वाइज और। तो बिट वाइज और कर लें एट रिजल्ट लो के साथ। अब रिजल्ट के अंदर आपका एक ही वेरिएबल के अंदर अब आपका पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ है, क्या उस रिजल्ट का नाम है? 0x01 ए बी, ये देखिए ये पड़ा हुआ होगा अब, जो कि पहले टूटा हुआ था। एक तो ये करने का तरीका है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? बिट फील्ड बना लें आप, यूनियन और बिट फील्ड का इस्तेमाल।
वो भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर मैं आपको ये टास्क दे दूं, क्विज में दे दूंगा यार, इसको यूनियन से बना दो, तो बना देना फिर, क्या ख्याल है, कर लोगे कि नहीं? क्यों नहीं? एक तो ये तरीका है ना जोड़ने का, वो तरीका क्या होगा? वो ये होगा यूनियन। यूनियन लिखी, यूनियन का नाम लिख दे, यूनियन का नाम हम कह देते हैं लेट्स से के एडीसी रिजल्ट, एडीसी, एडीसी रेज इसका नाम रख देते हैं लेट्स से। अब इसमें क्या कर लेते हैं, दो काम कर लेते हैं, वो ये कि एक तो हम इसमें एक अरे बना लेते हैं करेक्टर टाइप की, अनसाइन चार, अनसाइन चार, और इसको हम कह देते हैं कि अरे का नाम दे देते हैं, और दो एलिमेंट्स की अरे है, क्योंकि दो हमारे हो सकते हैं आठ मिनट के, दो की बना ले, और दूसरा क्या कर लेते हैं, कंबाइंड रिजल्ट हमारा किस में आएगा, एंट में आएगा, तो अनसाइंड या साइंड जो भी आपने करना है, एंट, और इसका नाम हम रिजल्ट कह लेते हैं। अब यूनियन की थ्योरी क्या कहती है कि स्टार्टिंग एड्रेस इनका सेम होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनका स्टार्टिंग एड्रेस सेम होता है, यानी सेम मेमोरी स्पेस में शेयर कर रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये यूनियन बनाई हमने, इस यूनियन को बनाने के बाद हम इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, आर इसका नाम हो गया, ये एक वेरिएबल आर डॉट ए आर जीरो में हम क्या कर लेंगे, एडी रिजल्ट लो, और आर डॉट ए आर वन में हम कर लेंगे एडी रिजल्ट हाई। जब ये वाला काम कर लेंगे और अब हम देखना चाहते हैं कि कंबाइंड्स की फॉर्म देखना चाहते हैं, तो आर डॉट रिजल्ट में हमारे पास इसकी क्या होगी, कंबाइंड फॉर्म पड़ी होगी, जिसमें ये फ्यूज्ड हमारे पास पड़ा होगा बेटा। तो एक तरीका ये है कि आप बिट ऑपरेशन करके ये वाला काम कर लें, जोड़ लें उसको। दूसरा तरीका क्या है, एक यूनियन बना लें, यूनियन में आपको कोई तरह की शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ मेमोरी ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है, कि आपने राइट किया बाइट्स में और रीड किया 16 बिट्स को, और आपने अगर उल्टा काम करना हो, उल्टे काम की खैर यहां जरूरत ही नहीं है कि आपने डैक वाला तो है नहीं काम, तो आप राइट हमेशा इसमें करेंगे, रीड इससे करेंगे, तो आपकी वो खुद ही जोड़ दिया करेगा। तो ये था हमारा एडी रिजल्ट हाई और एडी रिजल्ट लो की कहानी। तो इसमें गेट अवे पॉइंट क्या है हमारा, गेट अवे पॉइंट हमारा इसमें ये है कि लेफ्ट और राइट हो सकती है, और उनको जोड़ना कैसे है ये हमने बता दिया, फॉर्मेटिंग, इस चीज को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग क्या उसकी। अच्छा जी, ये तो था रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट तो उस वक्त आएगा हमारे पास जब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कोई प्रॉपर कर ली होगी। तो अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि एडीसी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ये थोड़ी सी अब जरा मल्टीपल चीजें आएंगी इसके अंदर। तो एडी कॉन जीरो पहला रजिस्टर इसमें आता है, एडी कॉन जीरो, तीन रजिस्टर है, कॉन जीरो, कॉन वन, कॉन टू, ठीक है, कंट्रोल, ये कॉन मैन नहीं है, कॉन वाला तो नहीं है, कॉन, ठीक है। तो तो ये क्या करता है, ऑपरेशन कंट्रोल करता है, और क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है एडीसी की। नंबर एक, एडीसी को एनेबल करने का जो फ्लैग है वो इसके पास है, एडीसी की स्टेटस बिट जो सी है वो इसके पास है, और चैनल सेलेक्ट इसके पास है, जो आसान आसान से कंट्रोल है ना वो जरा इसके पास ही है पड़े हुए। एनेबल बिट क्या करेगी, एनेबल बिट आपके एडीसी के हार्डवेयर को एनेबल करेगी। मैंने बताया था कि कंट्रोल में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम जिस चीज को यूज करना चाहते हैं उसको अनेबल कर देते हैं। अगर हमने एडीसी यूज करना है तो इसको अनेबल करें, तो हम अनेबल कर देंगे एडीसी के अनेबल बिट को, हम कर देंगे वन कर देंगे, तो जनाब ऑन हो रहेगा। तो ये एडी ऑन की बेटा है, एडी ऑन, ये वन कर देंगे तो अनेबल हो जाएगा हमारा एडीसी। उसके बाद फिर क्या है, स्टेटस की, गो या डन, ये बेसिकली जब डन हमें मिल जाएगा ना, बेसिकली ए की बेटा ये दोनों काम कर रही है, ये भी कह रही है कि एडीसी स्टार्ट हो रहा है, और जब वो एडीसी अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो ये हमें बता देती है कि एडीसी ने अपना काम खत्म कर लिया है। तो ए की सिग्नल गो और डन दोनों का चीजें बता रहा है कि जब हम उसे हाई करेंगे तो हमारा एडीसी काम करना शुरू कर देगा,
और जब वो बिट जीरो रहेगी तो एडीसी, वो इस चीज की इंडिकेशन होगी कि एडीसी ने अपना काम कर लिया है। तो स्टार्ट हम करवाएंगे, क्लियर उसको एडीसी का हार्डवेयर करवाएगा, ये एक थोड़ा सा फर्क है। जब वो घोरेगा तो हम कहेंगे कि यार डन हो गया। और तीसरी चीज क्या है इसमें, चैनल सेलेक्ट बिट्स, कि कौन कौन से चैनल सेलेक्ट करने। चैनल्स क्या थे, हमने बताया था 13 चैनल्स थे, क्यों नहीं निशान, कितने चैनल्स थे इसमें, 13 थे। अब उनमें से कौन सा चैनल यूज करना है, एक टाइम में तो एडीसी बेचारा एक के साथ ही जुड़ा होगा ना, तो हमें बताना होगा कि भाई बस ये वाला चैनल यूज करो, तो वो हम बताएंगे इसे कि यार ये वाला चैनल सेलेक्ट करो। तो 13 चैनल है तो उसके लिए 4 बिट सिलेक्शन लाइन की चाहिए, तो ये वो 4 बिट्स हैं 0, 1, 2, 3। तो एडी कॉन 0 में जाके इन बिट्स को जब हम सेट करेंगे तो हमारा वाला कॉरेस्पॉन्डिंग चैनल सिलेक्ट हो जाएगा। ये वो सिलेक्ट बिट्स की ऑपरेशन है, चैनल 0 सिलेक्शन 0, चैनल सिलेक्शन 1, चैनल 2 और ये थे। अब इसमें एक थोड़ी सी ये याद रखें कि ये जो एडीसी की इनपुट पिन है ना, ये स्कैटर्ड है अक्रॉस डिफरेंट पोर्ट्स स्कैटर्ड है। मसलन एडीसी की जो पहली 5 पिन हैं वो पोर्ट ए के साथ जुड़ी हुई हैं, पोर्ट ए के A0, A1, A2, A3 और A5, 4 नहीं A5। अच्छा, उसके बाद जो अगली 3 बिट्स हैं पिन हैं एडीसी की, वो पोर्ट ई के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद जो अगली 5 बिट्स हैं हमारी, वो किसके साथ हैं, वो पोर्ट बी के साथ जुड़ी हुई हैं। और डिफरेंट ऑर्डर है, कोई सीक्वेंस में नहीं है, 2, 3, 1, 4, 0। तो इसमें आप इसको याद रखना मुश्किल है, जब कभी आप देखने लगे कौन सी होने लगी तो टेबल चेक कर लें, आप डेटा शीट में जाके इस टेबल को चेक कर लें, आपको पता चलेगा कौन सी है। तो इसको याद रखने की, रटा मारने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये है कि जब आपको पता चल जाए कौन सी है तो आपने देखना कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कॉम्बिनेशन मैंने यूज करना है सेट करने के लिए। लेट्स से अगर मैं आपको कहूं कि यार मैं मुझे एनालॉग चैनल 5 चाहिए, तो इसके अगेंस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे यूज करना होगा, क्यों नहीं नजीर, एनालॉग चैनल 5 अगर मुझे चाहिए तो मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, चैनल 5 पहले तो ढूंढो चैनल 5 है कौन सा है, ये एनालॉग का चैनल 5 है, ये नहीं, ये डिजिटल के नंबर्स हैं, यूनिपोर्ट के डिजिटल नंबरिंग है जो जीपीआई उसमें हमने पढ़ी थी, एनालॉग नंबरिंग इसकी ये वाली है, तो एनालॉग चैनल 5 ये वाला है। अब इसके लिए सेटिंग क्या बनती है, 0101, इसका मतलब ये वाली जो बिट्स हैं रजिस्टर की हम 0101 सेट करेंगे, यानी कि 0101 ये जब सेट करेंगे तो हमारा चैनल कौन सा सेलेक्ट हो चुका होगा, चैनल एनालॉग चैनल 5। आप लोग एक्सपर्ट है माशाल्लाह, जानते हैं, इसमें तो कोई है नहीं कहा है। अच्छा, 3 कॉम्बिनेशन है, 13 चैनल है, ये 4 बिट्स 16 तक कर सकती है, तो ये अनइम्प्लीमेंटेड है, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया खाली, तो इनको यूज ना कीजिएगा, कोई फायदा नहीं। तो एडी कॉन 0 से रिलेटेड हमने तीनों सेटिंग्स देख ली हैं कि डिवाइस को अनेबल करना है, उस हार्डवेयर यूनिट को अनेबल करना है, नंबर 1, नंबर 2 उसको किक करना है, शुरू हो रहा काम करना, और उसने हमें बताना कि मैंने काम कर लिया, गोल्डन। तो किक करने के लिए एडी ऑन है, उसे सॉरी अनेबल करने के लिए एडी ऑन है, उसको किक करने के लिए इसी बिट को हम जब 1 कर देंगे तो स्टार्ट हो रहेगा, और जब कंट्रोलर एडीसी उसका उसको 0 कर देगा तो उसका मतलब होगा कि डन हो गया, काम खत्म हो चुका है। और ये चैनल सिलेक्शन है, ये एडी कॉन हो गया 0। अब आया था एडी कॉन 1। एडी कॉन 1 क्या क्या कन्फिगर कर रहा है, ये कन्फिगर कर रहा है कन्फिगर फंक्शंस ऑफ पोर्ट पिंस, ये पोर्ट पिंस के जो फंक्शन है ये कन्फिगर कर रहा है। क्या क्या फंक्शन है जी, देख लेते हैं। नंबर 1, एक तो था ना चैनल का सिलेक्शन था कि चैनल कौन सा सिलेक्ट हो रहा है। अब दूसरा एक इसमें ये है कि वो जो पिने हैं उनको एनालॉग के तौर पे भी तो कन्फिगर करना है, एक तो चैनल सिलेक्ट करना था और जो पिने जो उस चैनल के साथ जुड़ी हैं उनको कन्फिगर करना था। तो ये पोर्ट कन्फिगरेशन है, ये 4 बिटें जॉनसिंग है ये पोर्ट कन्फिगर करेंगी कि भाई ये वाला चैनल एनालॉग पे हो रहा है, डिजिटल की हो रहा है, ये एनालॉग पे हो रहा है, ये एनालॉग पे हो रहा है, ये वाली सेटिंग ये करेंगे। ये फर्क है उस चीज से चैनल सिलेक्शन से। चैनल सिलेक्शन क्या करता है, जो चीज कन्फिगर हुई हुई है उसे एडीसी के साथ जोड़ता था, अब कन्फिगर कौन सी हुई है वो पोर्ट कन्फिगरेशन करेगी कि भाई डिजिटल के तौर पर कन्फिगर हुई है कि एनालॉग के तौर पर कन्फिगर हुई है, ठीक है। और नंबर 2,
वोल्टेज रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन बिट, ये वोल्टेज रेफरेंस का बताएगा कि वोल्टेज रेफरेंस क्या होगा हमारे एडीसी के लिए। अब ये पता नहीं क्या चीज है ना, देखते हैं इसको जरा, ढूंढते हैं कि क्या चीज है इसके। लेकिन थोड़ा डेटा शीट देखे तो डेटा शीट बताता है कि यार दो होंगी ये चीजें, एक कॉन्फ़िगरेशन वन है और एक कॉन्फ़िगरेशन जीरो है। कॉन्फ़िगरेशन वन जो सी है वो बता रही है हमें उसका लोअर रेफरेंस लेवल, और कॉन्फ़िगरेशन जीरो बता रही है उसका हायर रेफरेंस लेवल, दैट्स ऑल। तो इस कॉन वन के अंदर हमारी चार बिट्स हैं पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की और दो बिट्स हैं वोल्टेज रेफरेंस की कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये हम देखते हैं कि वोल्टेज रेफरेंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है इससे क्या मुराद है। अब अगली डिस्कशन जो एक दो स्लाइड में चलेगी वो हमारी इसी के ऊपर होगी, वोल्टेज रेफरेंस से क्या मुराद है हमारी। उसके लिए दोबारा जिससे हमने आज लेक्चर शुरू किया था उसी चीज पे जाते हैं। हमारा हमारा एडीसी करता क्या है, ये जो वोल्टेज है आई है ना इनपुट के ऊपर एनालॉग पिन के ऊपर जो आई है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल में, ठीक है। कैसे करता है, कंपेयर करता है जो इनपुट होती है अपना, उसके पास एक स्केल लगाता है, जब मैंने बताया अप्रोक्सीमेट करता है यार मेरे किस मार्क के करीब है ज्यादा, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होती है मल्टीपल, किस मार्क के ज्यादा करीब है। 10 बिट का है तो अप्रोक्सीमेटली 10 अप्रोक्सीमेशन तो हो रही होंगी हमारी, ठीक है। अब होता क्या है, अगर अब आपका आपका जो एडीसी है ना उसे हम 220 वोल्ट नहीं दे सकते कि हम कहेंगे यार ये बाबडा वाले 220 वोल्ट दें और वो हमें उसके बता दें कि कितनी वोल्टेज है इस वक्त, नहीं ये नहीं कर सकते। हम अपने कंट्रोलर को मैक्सिमम वोल्टेज कितनी दे सकते हैं जो उसकी सप्लाई वोल्टेज है, वो कितनी है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे चल रहा है तो वो दे सकते हैं हम इसे। अच्छा तो इसको डेटा शीट में हम शो कर रहे होते हैं किससे भला, VCC से या VDD से शो कर रहे होते हैं जो हमारी डेटा शीट होती है ना, तो VDD जो होता है ना वो शो कर रहा होता है कि सप्लाई वोल्टेज क्या है उसकी। अगर मैं जल्दी से आपको डेटा शीट वाली चीज पे ले जाऊं, ये देखिए ये ना हमारी पिन डायग्राम पिक की, तो इधर आपको VDD मिलता होता है, ये इसकी सप्लाई होती है प्लस 5 VDD, दो टर्मिनल्स में हम दे रहे होते हैं इसको सप्लाई, और ग्राउंड भी इसका दो टर्मिनल्स पे होता है जो कि VSS से शो होता है, VSS VDD, ये वो दो हैं टर्म्स जो कि पिन डायग्राम में अगर हम देखें तो। वापस आए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कंट्रोलर इस वक्त 5 वोल्ट पे चल रहा है और उसका VSS मैंने ग्राउंड के साथ किया हुआ है 0 है, तो मैं इनपुट रेंज क्या हो सकती है सिग्नल की मेरे कंट्रोलर के एडीसी को 0 से लेकर 5 वोल्ट तक, तो 0 से लेकर 5 वोल्ट तक मैं सिग्नल दे सकता हूं। इसे ऊपर दिया तो डैमेज हो जाएगा मेरा कंट्रोलर, ये मैं नहीं कर सकता। अगर इससे ऊपर है मेरा सिग्नल तो मुझे वोल्टेज डिवाइडर लगाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर जो हमने पढ़े थे सर्किट्स वगैरह में जो के नीचे ले आएंगे वोल्टेज को, ठीक है, तो बड़ी डिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप रहेगा और इधर ले आएंगे। तो खैर 0 से 5 वोल्ट हो गए हमारे। अब ये जो 0 से 5 वोल्ट है हमारा एडीसी इनको 10 बिट के वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, और 10 बिट का मतलब है 1024 लेवल्स, ठीक है। तो एडीसी आके इसको 2^10 के एक वर्ड में ले जाएगा, किस तरह, जो इसकी मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो इधर के मैक्सिमम नंबर पे चली जाएगी, जो इधर की मिनिमम वोल्टेज है वो इधर के मिनिमम नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। हमारा ये कंट्रोलर जो सिंगल सप्लाई वाला है चल रहा है, सिंगल सप्लाई से मुराद ये कि इसे एक ही वोल्टेज लेवल है जो कि ग्राउंड के अलावा है, वो है पॉजिटिव वाला प्लस 5 वाला, दूसरा 0 है। तो ये वाला कंट्रोलर क्या करेगा, ये बेचारा सिर्फ यूनिपोलर सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सकता है, यूनिपोलर से क्या मुराद जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव को नहीं कर पाएगा। तो हमारा सिग्नल नंबर एक पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 2 0 से 5 वोल्ट के दरमियान में होना चाहिए, फिर हम उसकी कन्वर्शन
कर सकेंगे। अच्छा, अब आपने ये मीट कर लिया कि यूनिपोलर भी हो गया हमारा, यूनिपोलर भी कौन सा पॉजिटिव एक्सेस का और जीरो से पांच वोल्ट के दरमियान में, तो अब हमें हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि हमें पता हो कि यार जो 5 वोल्ट है ये कन्वर्जन के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी और जो 0 वोल्ट है इसी कन्वर्जन के बाद वैल्यू क्या होगी। तो ये सिंपल एक इक्वेशन होगी हमारी, ये वाली जो भी चीज है ना, जस्ट इट इज एन इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या है वो इस तरीके से होगा काम के हम कहेंगे कि यार एनालॉग जो सिग्नल है हमारा वी आई वी इनपुट जो है वी इनपुट का जो मैक्स है ठीक है माइनस वी इनपुट का जो मिन है वी इनपुट मैक्स वी इनपुट मिन इसे वो कर लिया हमने देख लिया कि रेंज कितनी बन रही है माइनस करके तो ये 5 है ये 0 है तो क्या बन गई रेंज 5 और उसे डिवाइड कर दिया कितने से जितना लेवल का हमारा वो है एडीसी तो 2^10 विच इज 1024। तो ये क्या करेगा जब हम ये डिवीजन कर लेंगे परफॉर्म तो हमारे पास एक लेवल का पता चलेगा कि एक लेवल कितनी वोल्टेज के इक्विवेलेंट है ठीक है। तो अगर ये हम इसे कैलकुलेटर पे कर ले जो भी तो हमें पता चलेगा कि 4.882 मिली वोल्ट हमारा एक स्टेप के बराबर है। अब ये स्टेप्स बन जाएंगे बेसिकली ये 0 से 5 वोल्ट है ना तो ये स्टेप्स बनेंगे इस तरह ये स्टेप्स बनते जा रहे अप टिल 1023 तक पहुंच जाएंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो स्टेप है ना ये इस स्टेप का साइज कितना है इस स्टेप का साइज है 4.882 मिली वोल्ट। अब आपको एक स्टेप का पता चल गया एक का साइज कितना है। अब मैं अगर आपको कह दूं कि यार मुझे ऐसा करो कि ये बता दो कि अगर इनपुट के ऊपर मेरे पास 3.65 वोल्ट होगी तो उसके इक्विवेलेंट एडीसी मुझे क्या रिजल्ट देगा। अगर ये मैं ये क्यूरी हूं आपसे और मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि यार मेरा 5 वोल्ट जो था क्रॉसपॉन्ड कर रहा है 1023 को कर रहा है क्रॉसपॉन्ड, जीरो के बारे में मैंने नहीं बताया तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरा जो जीरो है क्रॉसपॉन्ड कर रहा है ग्राउंड को ठीक है। अगर मैंने कुछ नहीं बताया अगर कोई डिफरेंट होगा तो फिर मैं बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन के साथ मेरा यह सवाल है कि 3.65 जो सर नंबर्स में जाके क्या बनेगा आप क्या करेंगे इसे आप इस चीज को किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करेंगे। ये देखें 4.882 मिली वोल्ट किसके बराबर है ये वही है ये वही सवाल है कि यार 5 लेस के पैकेट आते हैं अगर 50 रुपए में तो 3 कितने में आएंगे ये वाला सवाल है ठीक है। क्यों नहीं नजीर ऐसे क्या तो ये है कि 4.882 मिली वोल्ट हमारा अगर बराबर है 1 स्टेप के ठीक है तो 1 वोल्ट हमारा किसके बराबर होगा 1 वोल्ट किसके बराबर होगा ये तो मिली वोल्ट है ना 1 वोल्ट किसके बराबर रहेगा 1 ओवर 4.882 (10^-3) के ऐसा ही हो रहेगा ना। और 3.65 किसके बराबर हो रहेगा 3.65 किसके बराबर हो रहेगा बस इसको मल्टीप्लाई कर दो यार इसे 3.65 से डेट्स ऑल। अभी आपको मिल जाएगा कि क्या उसका किसके अगेंस्ट है लेवल के अगेंस्ट है बस डेट्स ऑल। तो एक कोई कन्वर्जन करके देख ले इसका जवाब क्या आता है देखे ना साधन की बात है अगर ये 5 वोल्ट होता ये 4.88 क्या था 5/1024 था ना ये देखें 4.88 था 5/1024 तो ये ले 5/1024 इज इक्वल टू 1 स्टेप तो 1 जो सा था वो किसके बराबर होगा 1/5/1024 या 1024/5 और जब हम कहते हैं 3.65 किसके बराबर होगा तो ये हो जाएगा 1024/5 × 3.65 और ज्यादा नीट ये होगा कि मैं क्योंकि 1024 इंटू रेशियो किसकी 3.65 की 5 से
अगर तो वो 5 होता तो फिर तो 10 सॉरी 24 की बजाय मुझे 23 लिखना चाहिए था, 23 टू सॉरी 24 ही होगा क्योंकि 11 हमारे 24 है, 24 है ठीक है। तो देखिए अगर 5 वोल्ट होता तो उसे 1024 लेवल्स के ऊपर जाना था, 5 से कम है तो उसे कुछ कम पे आएगा, कितना कम है ये आपने देखा परसेंटेज निकाल ली ना 3.65 की 5 से कि कितना कितना उसका पार्ट बनता है 5 का और उसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी करेंगे आपको इंटीजर में जो आंसर आता है वो आपका बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम इसको कैलकुलेटर से देख लें, कैलकुलेटर है हमारा खुला हुआ है सबके, नहीं कैलकुलेटर नहीं खुला हुआ, डायरेक्ट सा कैलकुलेटर आ गया हमारा, तो हम करने जा रहे हैं 3.65 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1024, 747 747 हमें मिल जाएगा। तो अगर हमारी इनपुट के ऊपर 3.65 होगा तो एडीसी हमें क्या रिजल्ट देगा, 747। और ये 747 रेजिस्टेंस में कैसे पड़ा होगा, अगर हम सादी अगर ये सवाल भी पूछ लें कि यार लो में क्या पड़ा होगा और हाई में क्या पड़ा होगा 747, तो ये देखें हेक्सा कन्वर्जेंस की क्या लिखी हुई नजर आ रही है 2EB, तो इसका मतलब ये हुआ कि लो रजिस्टर में पड़ा होगा हमारे पास EB और हाई रजिस्टर में पड़ा होगा हमारे पास 02 हेक्सा में, ये वो 747 तक कन्वर्जन, इसकी हेक्सा रिप्रेजेंटेशन 2EB, तो उसका लोअर बाइट जो है लो में चली गई, अपर वाली अगर राइट जस्टिफाइड है तो इसमें आ गई। तो हमारे ये इस तरह के सवाल अक्सर हो रहा करेंगे कि यार आपको हम बता देंगे कि एडीसी की इनपुट पे ये सिग्नल है तो आप बता दें उसकी कन्वर्जन के बाद क्या वैल्यू होगी, उल्टा भी सवाल दे सकते हैं कि हम कहेंगे यार एडीसी ने रीड किया है 1000 लेवल तो ये बताएं कि इसके अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज क्या थी, ठीक है यहां तक क्लियर है चीज, तो आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एजम्पशन क्या थी जो ओवरलुक शायद कर दी हो, कि हमने बताया इसका इसकी लोअर वोल्टेज 0 है अपर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन की है ना सेटिंग VCFG 0 VCFG 1 ये हमें अलाउ करती है कि हम या तो ये वाली सेटिंग्स रख लें, जब ये VCFG 0 होगा तो VDD हो जाएगा, VDD का मतलब क्या होगा 5 वोल्ट के अपर वोल्ट 5 है, और VCFG में भी अगर हम 0 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो लोअर वोल्ट्स है वो ग्राउंड है, लेकिन ये कंफिग्रेशन हमें अलाउ करती है कि हम इसके अलावा चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि बजाय बाय डिफॉल्ट 0 और 5 का लेने के अगर हमारा इनपुट सिग्नल ऐसा है जो यार रहता ही जो 0 से 5 के दरमियान नहीं आता पूरा, वो आता लेट से 1 से लेकर 4 तक, तो होगा क्या कि अब हमारी रेंज ना वहां जाया जाएगी। देखें आपके मोटरसाइकिल में लेट से अगर स्पीडोमीटर लगा हुआ है 160 किलोमीटर पर आर तक का और अगर आप चलाते हैं उसको 70-80 से ऊपर चलाते नहीं है तो मसला क्या होता है उसका कि आप अपने स्पीडोमीटर की सिर्फ आधी रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी की आधी तो कभी यूज ही नहीं की। अच्छा उसका मसला क्या हुआ, उसका मसला ये हुआ है कि 70 और 71 के दरमियान फर्क वहां आपको इतना आसानी नजर आता क्योंकि वो थोड़ी सी रीजन में उन्होंने मीटर बुक कर दिया हुआ है, लेकिन अगर मुझे पता हो कि यार मैंने जाना नहीं कभी 80 से ऊपर तो मैं चाहूंगा कि मेरा मीटर जो है ना वो 0 से लेकर 80 तक मैक्सिमम शो करे, उसका फायदा क्या होगा, अब ये छोटी वैल्यूज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट उनकी चेंज मुझे नजर आएगी, जब मैं 70 से 71 पे जाऊंगा तो नीडल मेरी थोड़ी सी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी मूव करेगी, तो रेजोल्यूशन बढ़ा ली, इसको कहते हैं फुल स्केल। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपने पढ़ी होगी जो मीटर्स वगैरह में कुछ हुआ, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, अगर आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन उतनी है ही नहीं तो आपकी एडीसी की बिट्स जो जाया जा रही है सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसका हाई वाला भी कंट्रोल कर सकते हैं, हाई वाला पार्ट भी इसका लो वाला भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वाली चीज है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग। ये देखें कि हम इसका बी जो पॉजिटिव रेफरेंस है ना, वैसे तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट 5 वोल्ट लिया था लेकिन हम इसको नीचे ला के यहां तक लेके आ सकते हैं, कहां तक 3 तक, और जो लोअर है उसको 0 से उठा के ऊपर लेके जा सकते हैं, कहां तक 2 वोल्ट तक लेके जा सकते हैं, ये कंट्रोल हमारे पास है।
ये वैल्यूज कहां से आई है हमारे पास? ये डेटा शीट से आई है। ये डेटा शीट का टेबल है, टेबल नंबर 28.28 टेबल। उसमें ये तीन हैं जो कि रिलेटेड है हमारे इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने से। अब इसमें गौर करें, लिखा हुआ है कि रेफरेंस वोल्टेज रेंज, कि रेफरेंस वोल्टेज की रेंज क्या हो सकती है। तो ये दो वैल्यूज लिखी हुई, 1. वी रेफरेंस हाई माइनस वी रेफरेंस लो, कि हाई में और लो में कितना डिफरेंस एट द मिनिमम होना चाहिए। तो 1.8 भी लिखा है, 3 भी लिखा हुआ है। तो 1.8 किन के लिए? वो डिवाइसेस जो आपके जिनमें जो सप्लाई वोल्टेज है 3 से कम है, वहां 1.8 है, और जिनमें आपकी 3 से ज्यादा है, जो कि हमारा केस है 5 वोल्ट वाला, हमारा 5 पे चल रहा है ना बीडीडी, बीडीडी 5। तो हमारे पास जो चेंज रेंज हो सकती है वो 3 वोल्ट की हो सकती है। तो एक तो ये नोट कर लें कि डेल्टा जो है ना, डेल्टा वी रेफरेंस इट इज 3 इन आवर केस, ये 3 होना चाहिए मिनिमम। जो भी सेटिंग करें हम, 3 का डिफरेंस लाजमी होना चाहिए लो और हाई में, एक तो ये बात रखें। अच्छा, हाई वोल्टेज किस रेंज में चेंज हो सकती है, वो उन्होंने ले दिया वीएसएस। वीएसएस क्या है? अगर हमारा ग्राउंड अलर्ट है वीएसएस, तो ग्राउंड प्लस डेल्टा वी आर एफ, डेल्टा वी वी रेफरेंस क्या 3, तो इसका मतलब है कि 0 प्लस 3 तक जा सकती है ये। तो हमारी हाई वोल्टेज जोन सी है, हाई रेफरेंस जोन सा है अगर आप देखें, तो इसलिए हमारा हाई रेफरेंस 3 से शुरू हो रहा है और 5 तक जा सकता है। ये 3 कहां से आया? उन्होंने कहा वीएसएस, वीएसएस इज दिस थिंग ग्राउंड, इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, जितना मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए था। मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3 वोल्ट का, वो 3 वोल्ट ऐड किया तो ये आ गया। तो यहां से शुरू होकर 5 तक हमारा पॉजिटिव रेफरेंस हो सकता है। इसी तरह नेगेटिव रेफरेंस जो है हमारा, वो 0 से शुरू होके कहां तक जा सकता है? वीडीडी। अब वीडीडी वहां वीएसएस से बात हुई थी, यहां वीडीडी से बात हो रही। वीडीडी क्या है? 5 है, सप्लाई वोल्टेज 5 है हमारी। तो 5 माइनस वी डेल्टा, डेल्टा रेफरेंस, डेल्टा क्या था 3, तो 5 माइनस 3 क्या हो गया 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो लो वोल्टेज है वो 0 से शुरू होकर वीसीसी माइनस 3 2 इस रेंज में हो सकती है। तो ब्लू रेंज इज द लोअर रेंज, दिस इज द हाई रेंज। अब इन रेंजेस में हम इनकी वैल्यूज रख सकते हैं। अच्छा, उसकी भी ये नहीं है कि आर्बिट्रेरली कोई भी वैल्यू रख लें। अगर मैं इसकी 2 वैल्यू सेट करूंगा तो मुझे लाजमी लाजमी हाई वोल्टेज अपनी 5 रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा जौन सा होना चाहिए दोनों में, 3 का लाजमी होना चाहिए। अगर मैं इसकी 4 रख दूंगा वैल्यू हाई वाले की, तो मुझे अपना लो वाला जौन सा है 1 या उससे नीचे रखना पड़ेगा, उसे ऊपर नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान, के लो और के हाई के दरमियान डिफरेंस 3 वोल्ट का लाजमी होना चाहिए। इन चीजों की कब यूजेज करेंगे? कभी आपके पास सिग्नल ऐसा आ जाता है जो कि आपने जिसका एम्पलीट्यूड कम है और वो डीसी लेवल 2.5 वोल्ट पे लेट से आपने चढ़ा दिया, उसे क्लैंप किया हुआ उसे, और उसके कम वोल्टेज वेरिएशन हो रही, तो तब मोस्ट प्रोबेबली आप इनको यूज करेंगे। उसके अलावा आप डिफॉल्ट साथ चाहेंगे। डिफॉल्ट क्या होता है? नीचे वाला 0, ऊपर वाला 5। तो पेपर में कभी ये सवाल हो सकता है कि यार आपको हम बता देंगे कि यार बी रेफरेंस जो लो है ना उसको मैंने सेट कर दिया 1 वोल्ट और बी रेफरेंस हाई को मैंने कर दिया है 5 वोल्ट, तो ये बताओ कि अब जो 2.6 वोल्ट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 3.65 वोल्ट थे ना, वो अब ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनेगा? देखिए, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले सवाल किया उसमें क्या था? लो रेफरेंस था 0, हाई रेफरेंस था 5। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यार लो रेफरेंस मैंने कर दिया 1, हाई कर दिया मैंने 4, तो अब मेरा यही सवाल होगा कि 3.65 अब क्या बनेगा? तो अभी भी कोई मसला नहीं। अब मैक्सिमम क्या है अब इस वक्त? 4। मिनिमम क्या है इस वक्त? 1 डिवाइड बाय उतना ही है, 3 डिवाइड बाय 1.24। बाकी की कहानी वैसी वैसी चलेगी। चेंज कर दिया ना आपने अपर रेफरेंस, अपर रेफरेंस आपने 4 कर दिया, लोअर आपने 1 कर दिया। ये देखे ना, लिखा है अपर रेफरेंस 4, लोअर रेफरेंस, इसके ये नॉमन क्लेचर दसल है, इसको मुझे लिखना चाहिए वी रेफ प्लस और वी रेफ माइनस, ये चेंज कर दिया। अब देखें वही वाली जो 3.65 था, अब इस केस में आके ये
डिफरेंट रिजल्ट दे रहा होगा हमें. क्यों? क्योंकि वहां 1024 लेवल्स मैप हो रहे थे 5 वोल्ट्स के ऊपर, यहां मैप हो रहे हैं सिर्फ 3 वोल्ट्स के ऊपर. तो ये चेंज आ जाएगी. इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूं. वो तो फिक्स है, वो तो 10 बिट्स है, वो फिक्स है. इनपुट की रेंज हमने कम कर दी है कि इनपुट कम रेंज में अब चेंज हो रही है. एडीसी क्या फिक्स है? 10 बिट्स, वो फिक्स है, वो फिक्स ही रहेंगे, 10 बिट्स ही रहेंगे. रेफरेंस चेंज कर रहे हैं. अच्छा चलो देखते हैं, एक मिनट, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं इसकी. इसकी अभी अभी क्लियर हो जाएगा. आपने ऐसा किया कि आप लोग ये कर रहे हैं कि करंट को मैंने मैयर करना, लेट्स से सर्किट में, तो उसको मैयर करने का एक तो ये तरीका एम मीटर लगा लूं उसके सीरीज में, ये होगा. दूसरा, मैं नहीं कहता हूं कि यार मैं कंट्रोलर वगैरह पढ़ लिया, अब हम जहीन हो गए तो हम जरा डिजिटल इसका बनाते हैं. अब करंट को मैयर करना हो तो उसके दो तरीके हो सकते हैं. वो क्या हो सकते हैं कि या तो आप करंट का सेंसर लगा लेते हैं. करंट का सेंसर क्या करता है? करंट का सेंसर आपको डीसी वैल्यू एक दे देगा, मैपिंग होगी बेसिकली, कि 10 एम्पीयर को वो ना वोल्टेज में बता देगा कि यार 10 वोल्ट बराबर है 2 वोल्ट के, लेट्स से, या 3 वोल्ट के, 5 वोल्ट के. वो एनालॉग सिग्नल देगा, उस एनालॉग सिग्नल को मैं एडीसी से रीड करके अंदर ले आऊंगा और रिवर्स मैपिंग फंक्शन परफॉर्म करके मैं निकालूंगा कि करंट कितना था. एक तो ये तरीका हो सकता है. तो लेट्स से वो मेरा करंट सेंसर जो है वो क्या करता है कि 0 से लेकर 20 एम्पीयर तक जो करंट है उसको मैप कर देता है. किस रेंज में? 0 से लेकर 5 वोल्ट तक की रेंज में. लेट्स से 0 से 5 वोल्ट की रेंज में मैप कर देता है. ये करंट सेंसर कर रहा है. कैसे कर रहा है अभी हम इसमें नहीं पढ़ रहे कि कैसे कर रहा है वो, लेकिन एक डिवाइस होता है करंट सेंसर जो मार्केट से मिल जाता है 100, 200, 1000, 2000 इस तरह मुख्य में मिल सकता है. वो क्या कर रहा है कि उसे इनपुट के ऊपर अगर मैं 0 से 20 एम्पीयर तक का लोड के साथ कनेक्ट कर दूं ना, ये लोड होगा ना बेसिकली कि जिसमें से 20 एम्पीयर तक जाता जाता है, एसी है, एसी में 20 एम्पीयर तक जा सकता है पॉसिबली 2 टन के. तो ये क्या करेगा करंट सेंसर, इसको हमें 0 से 5 वोल्ट तक देने का. देखो ये एम्पीयर था, ये वोल्ट हो गया, और ये डीसी है. इसमें क्या होगा, 0 वाला 0 पे मैप हो गया, 20 वाला 5 वोल्ट पे हो गया. अब मैंने रीड करना है. एक तो पहले मुझे चाहिए कि मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लूं कि यार अगर 10 एम्पीयर होगा तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, ये मुझे निकाल लेना चाहिए. क्या ख्याल है? तो वो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी जैसे अभी थोड़ी देर पहले एडीसी की हमने निकाली थी कि इनपुट हाई माइनस इनपुट लो, ठीक है, और इसको डिवाइड लेट्स से कर देते हैं आउट हाई माइनस आउट लो. ये मुझे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे देगा. तो इनपुट हाई क्या है मेरे पास 20 माइनस 0, और ये क्या है 5 माइनस 0, तो क्या हो गया 20 डिवाइड बाय 5 4. तो यूनिट क्या हो रहा है इसके 4 एम्पेयर पर वोल्ट, ऊपर एम्पेयर है नीचे वोल्ट है, तो 4 एम्पेयर पर वोल्ट मिल जाएगा कि हर 4 एम्पेयर एक वोल्ट बनाएंगे. तो अब मेरा अगर क्वेश्चन होता है यार अगर 10 एम्पेयर होंगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा. देखो क्यों, क्योंकि हमारा 4 एम्पेयर वही है. वो लेज वाला सवाल आ गया कि 4 एम्पेयर जनाब हमारे बराबर है 1 वोल्ट के, तो 1 एम्पेयर बराबर हो गया 1/4 के, तो 10 एम्पेयर हमारे बराबर हो गया 1 वोल्ट के. ठीक है, यहां तक चीज है, क्लियर है, आगे चलते हैं. अच्छा, ये जो 0 से 5 वोल्ट आए थे ये अभी भी एनालॉग डोमेन में है. मैं तो डिजिटल मीटर बनाना चाहता हूं जिसमें जनाब वो आ रहे हैं एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है. अब हमारा बोर्ड आ गया जो आप बना रहे हैं बड़ी मेहनतों से आजकल माशाल्लाह, वो बोर्ड आपने लगाया उसका एनालॉग चैनल लेट्स से 6 कन्फिगर किया, और कन्फिगर करके उसमें आपने डिफॉल्ट लेवल रख दिया कि जो लो वाली वी रेफरेंस माइनस था वो 0 ही है,
बी रेफरेंस प्लस जो है वो 5 है। अब ये मेरा सवाल ये होगा कि यार जो मेरा ये जो 2.5 वोल्ट निकला है, ये 10 एम्पीयर जब मैं इसे दे रहा हूं तो मुझे इसने दिया 2.5 वोल्ट, तो ये अब मेरा जब एडीसी को जाएगा तो एडीसी मुझे क्या नंबर दे रहा है, ये क्वेश्चन है अब आपके लिए। तो बताएं जी क्या होगा, एजम्पशन क्या है इसमें? एजम्पशन एक है वी रेफरेंस प्लस मेरा वीडीडी है, वी रेफरेंस माइनस मेरा वीएसएस है, यानी कि ये नीचे वाला ग्राउंड है 0 वोल्ट है, ऊपर वाला 5 वोल्ट है, ऐसा ही है ना। वो क्यों हमने रखा, वजह उसकी क्या है? क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो भी 0 से 5 तक हो सकती है, तो फुल स्केल में हम डील करना चाह रहे हैं तो हम उधर भी 0 और 5 रख देंगे। क्या नंबर क्या बनेगा? नईम और अनवर, नंबर क्या बनेगा? ज्वाइंट एक्सरसाइज। एडीसी क्या नंबर देगा हमें? आप कहेंगे यार कोई मसला नहीं है, एडीसी कितने बिट का? 10 बिट का। लेवल हो गया उसके 1024, और किन को मैप कर रहा है? 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट तक को चीज को उसमें लेके आ रहा है। तो सवाल यह है कि 2.5 को किसमें लेके रहेगा, ये सवाल है हमारा। तो जवाब क्या हो रहेगा यार इसका? इसका ये हो रहेगा कि 1024 लेवल्स कब मिलेंगे? जब 5 वोल्ट होगा सिग्नल, और जब 5 से कम है तो हम देख लेंगे वो कितना पोर्शन है उसका बन रहा है। 2.5 वोल्ट के लिए क्या होगा, इसको सॉल्व कर ले, सादा सा जवाब है इसका, नजर आ जाएगा 512 हो जाएगा, तो हमें 512 नंबर मिल जाएगा यहां, 512। ठीक है, यहां तक चीज ठीक है। क्या हाँ जी हाँ जी, अभी 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 3 से 5 पे आते हैं, अभी आते हैं। अच्छा अब इंपॉर्टेंट देखें, अब दो कन्वर्जन हुई है इसके अंदर कि 10 एम्पेयर जो करंट था वो आपके एडीसी के अंदर जाके 512 नजर आ रहा है, तो दो कन्वर्जन कौन सी थी? एक तो करंट सेंसर ने कन्वर्ट किया 10 एम्पेयर को उठा के 2.5 वोल्ट बना दिया, और दूसरा एडीसी ने 2.5 को उठा के 512 बना दिया। अब आपने जब अपने मीटर पे डिस्प्ले करना होगा तो अब आपको ये रिवर्स कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी सारी, ताकि आपके जो डिस्प्ले है उसके ऊपर एम्पेयर भी नजर आए, क्योंकि आपको करंट मेजर करना चाह रहे थे ना, वहां 512 लिख देंगे लोग समझेंगे 512 एम्पेयर, ओहो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमें इसका रिवर्स प्रोसेस देखना होगा, तो यही जो इक्वेशन लिखी है इनको उल्टा कर लेंगे तो हम रिवर्स एम्पेयर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे यार 512 लेवल्स के अगेंस्ट कितनी वोल्टेज होती है, और उस वोल्टेज का हमने फॉर्मूला दूसरा भी निकाला हुआ है, ये 4 वाला जो था निकाला कि 4 एम्पीयर पर वोल्ट वाला, इसका इन्वर्स करके लगा देंगे हमारे पास इस करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है हमीद कि नहीं, ये इसको जरा कॉपी भी कर लेना, नहीं तो बहुत ही वो बेसिक सा काम है ये खैर आप लोग कर लेंगे इसको, तो इसका रिवर्स करके हम करेंगे तो हम नजर आ जाएगा। सवाल ये नहीं था जिसकी वजह से हमने सैंपल प्रॉब्लम की है, सवाल दूसरा वो ये है कि आपने करंट सेंसर के साथ तो ये वाला काम कर लिया है, अब हम ये कहते हैं कि यार मैं करंट सेंसर नहीं लगाना चाह रहा, मैं करंट सेंसर नहीं लगाना चाह रहा, तो एक और चीज भी होती है करंट को मेजर वगैरह करने के लिए, उसको कहते हैं शंट। शंट तो आपने पढ़ी है ना, शंट वही होता है ना, पैरेलल रेजिस्टेंस होती है, तो शंट उसे बोलते हैं, तो शंट रेजिस्टेंस हम लगा लेते होते हैं और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, पॉइंट यानी 1 मिली ओम, 0.3 मिली ओम, इतनी होती है। वो क्या करती है शंट, वो डीसी में तो नहीं देती, वही वाला जब हम उसे अपने लोड के क्रॉस लगाते हैं ना, तो वो हमें उसका, क्योंकि शंट है और उस शंट में से जब करंट गुजरेगा नजीर, तो क्या होगा उसके गेंस हमें V=IR ohms के मुताबिक हमें वोल्टेज सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज सिग्नल कौन सा होगा? एसी वाला, एसी लोड है तो एसी वाला एक सिग्नल मिल जाएगा। अब वो एसी सिग्नल कैसा होगा? वो ऐसा हो सकता है पॉसिबली, ये देखिए पीक टू पीक इसकी वैल्यू +5 -5 हो सकती है, गड़बड़ क्या है इसमें? हमारा एडीसी जो है, अगर मैं इसको एडीसी को दे दूं तो एडीसी तो हमारा यूनिपोलर सिग्नल को रीड करता है, ये वाला सिग्नल तो उसे जरा छेड़खानी करेगा, इसको फिर हल क्या है? इसका हल ये है कि मैं इसको क्लैंप कर दूं, क्लैंप के सर्किट पढ़ ली हुए आपने माशाल्लाह, डीसी ऑफसेट दे देते हैं,
तो डीसी ऑफसेट दे देते हैं इसमें, कितना दे दें ऑफसेट, 5 का दे दें, चले नहीं 5 का दे देते हैं, 5 का अगर हमने ऑफसेट दिया तो मसला ये होगा कि सारी चीज तो पॉजिटिव में तो चली गई लेकिन अब हायर रेंज हमारी 10 पे पहुंच गई, ये 0 पे आ गई, हेलो जी फिर मसले, अब नेगेटिव साइकिल तो इधर आ गया ठीक है लेकिन ये 5 से ऊपर चला गया, इसका मतलब कि सिग्नल मुझे जरा चाहिए छोटा कर लो, छोटा कर लो, तो वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास रेजिस्टेंस किस तरह के जिससे मैं वोल्टेज डिवाइडर सा बना के उसे छोटा कर लूं, तो लेट्स से वो थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया मुझसे, कितना छोटा हो गया, लेट्स से वो मैंने छोटा कर लिया बजाय ये कि प्लस 5 और माइनस 5 के दरमियान करने के, आइडियली तो ये होना चाहिए कि मैं इसे कर दूं इतना, ये 5 है हमारा, ये 2.5, अगर मैं इसको हाफ कर दूं सिग्नल को, स्केल कर दूं हाफ से, तो 0 से शुरू होकर 5 तक ये पूरी वेवफॉर्म आ जाएगी साइनोसाइड की हमारी, है ना, लेकिन मसला ये होता है कि करंट हमारा ये एक तो डिपेंडिंग है कि रेजिस्टर मुझे मिला के नहीं, जो एग्जैक्टली से स्केल कर दे, वो तो जो मार्केट में मिल रहा है मैंने तो उसी से उठाना ना फायदा, 3300 ओम का है क्या, 220 ओम का है, ऐसे ही होती है वैल्यू, हर ओम की तो वैल्यू मिल भी नहीं रही होती कि एग्जैक्ट मुझे 41 ओम का चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगा, तो मुझे उसके कहीं करीब जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे थोड़ा सा ज्यादा ओम का मिला, तो उसने क्या किया स्केल इसको डायरेक्ट 2.5 के स्केल करने के, उसने इसे स्केल कर दिया, ये स्केल कर दिया, अब ये सिग्नल जो है आप देख रहे हैं कि 1.5 इस हाफ में जा रहा है, 1.5 नीचे आ रहा है, कुल कितना हो गया 3, लेट्स से या चले 3 से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप उस दूसरी चीज से कंफ्यूज ना करें, हम इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं, 2 इधर ले जाते हैं, 4.5 ये कर लेते हैं कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, अब पीक टू पीक डिफरेंस क्या कितना बन रहा है 4 वोल्ट, अब ये सिग्नल इधर से नीचे कभी नहीं आ रहा ठीक है, 2.5 माइनस 2 कर ले तो 0.5 और 4.5 से ऊपर कभी नहीं जा रहा, क्यों फ्राइम ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी जो स्पीडोमीटर की वो रेंज थी ना ऊपर वाली और नीचे वाली को जाया करें, कभी उसमें जाया नहीं रहता, हम उसको क्यों डिस्प्ले करें, तो जहांगीर फिर हम क्या करें, क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करें, अगर आपको ये प्रॉब्लम दे दी है क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे, फिर रेफरेंस माइनस की और रेफरेंस प्लस की, रेफरेंस माइनस से फिर मुझे चाहिए कि मैं 0.5 से पे सेट कर दूं, क्योंकि 0 पे तो करने का कोई फायदा नहीं, 0.5 से वो नीचे आया भी ना था, और रेफरेंस हाई कौन सा है वो मुझे चाहिए कि मैं 4.5 पे सेट कर दूं, क्यों क्योंकि 4.5 से ऊपर हम जा ही नहीं रहे, तो ये सेटिंग होगी फिर हमारी ठीक है, तो 4.5 ऊपर वाली हो जाएगी सेट और 0.5 नीचे वाली हो जाएगी, अच्छा ये सेट किधर से होगी, ये कोई नंबर नहीं होता अंदर, ये हमें ना एनालॉग की ही लाइन कौन सी है उनके ऊपर ही ये सिग्नल देना पड़ता है, वो अगर शुरू वाली तस्वीर दिखाए ना हम आपको, अगर भूल नहीं गए आप ये तस्वीर, ये देखें ये चैनल 2 और चैनल 3 से ना ये रेफरेंस ले लेगा इनपुट के तौर पे, यहां हम जो सेटिंग कर देंगे वेरिएबल रेजिस्टर घुमा के आ रहे हैं, ऊपर वाला 4.5 हो रहा है, ये नीचे वाला 0.5 हो रहा है, इस तरीके की हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी, इधर जो एनालॉग सिग्नल की सेटिंग है ये डिजिटल सेटिंग नहीं है अंदर, तो वो सेटिंग करनी पड़ेगी, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यहां भी बंद हो जाएगा, यहां भी बंद हो जाएगा, तब वो हमारी एक्शन में आएगी 0.5 और 4.5, अच्छा और जब वो एक्शन में आ गई तो अब कन्वर्जन कैसे होगी, अब कन्वर्जन ऐसे होगी कि आपका होगा रेंज क्या मैप हो रही है 4.5 माइनस 0.5 किसके ऊपर मैप हो रही है 1024 पे, अब आपका 4 वोल्ट की जो रेंज है वो 1024 पे हो रही है, 5 वोल्ट की नहीं हो रही ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 4/1024 है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार अब बताओ कि जो सा 3 वोल्ट है या 3.65 वोल्ट है उसके अगेंस्ट नंबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1024 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व कर लेंगे ये आपको बता देगा कि क्या नंबर आएगा उसके अगेंस्ट, तो ये कहानी है इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की, कुछ लोग परेशान बैठे हैं कि मैं भी परेशान हो गया उन्हें देख के क्या हो गया, दोबारा क्विक सा रीकैप बाद में भी कर लेंगे, वो क्या है रीकैप इसका, अभी तो यार हमने कुछ भी नहीं पढ़ा आज, एक तो हमने ये देखा कि रिजल्ट हाई और लो कैसे होते हैं, वो तो बड़ा आसान सा काम था वो आपने कर लिया, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन 0 सेट की है ठीक है, चैनल सिलेक्शन जिसमें की है
नहीं नहीं चैनल सिलेक्शन कुछ और है, चैनल सिलेक्शन ये है, देखो देखे यार ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ये देखे जो चैनल सिलेक्शन है ना वो ये बताती है कि इनमें से कौन सा स्विच ऑन है, इसमें कौन सा स्विच, कौन सी पिन जुड़ी हुई है एडीसी के साथ, चैनल सिलेक्शन ये बताती है। फिर एक सेटिंग है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की, दोबारा चैनल सिलेक्शन क्या बता रहा है कि कौन सा स्विच ऑन है, ये हो चैनल सिलेक्शन। फिर एक सेटिंग है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा वो अभी मैंने बताई नहीं है, वो पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन की है, वो बताती है कि कौन सी पिन डिजिटल है कौन सी एनालॉग है, एक वो सेटिंग है। और तीसरी चीज है जो कि अभी हमने की है रेफरेंस लेवल की, यार लो रेफरेंस क्या होगा और अपर रेफरेंस क्या होगा कन्वर्जेंस के दौरान, ये एक मल्टीपल सेटिंग्स है बेसिकली हमारी ना। तो ये सेटिंग्स है हमारी, तो एडीसी का ट्रांसफर फंक्शन भी इस तरह, इससे हम बात का सवाल सवाल दे देते हैं या रिवर्स दे देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लो और हाई चेंज करके ये इस तरह कर देते हैं, तो इससे सवाल आ जाते हैं। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ जाता है पोर्ट का एनालॉग कंट्रोल, कि पोर्ट का एनालॉग कंट्रोल क्या होगा कि कौन सी पिन कौन सी हमारी जनाब एनालॉग होगी और कौन सी हमारी डिजिटल के तौर पर करेगी। तो एनालॉग कंट्रोल जनाब एक तो इसका काम क्या है, एक डिजिटल इनपुट का जो बफर है ना उसको डिसेबल कर दिया करेगा, बाईपास करवा देगा और वो एनालॉग जो सा आपका डायरेक्ट आपका एडीसी के साथ जुड़ जाएगा। तो एनालॉग कंट्रोल एक तो ये काम करता है, ठीक है, तो क्या कि डिजिटल बफर को डिसेबल करता है। अच्छा और दूसरा ये क्या काम करता है, एक और जो चीज हमें चाहिए इसके साथ ही कि ट्रेस का जो रजिस्टर है जिसका एनालॉग हमने एनालॉग में किया उसको इनपुट के तौर पे हमने कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। सो ट्रेस रजिस्टर बिट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द पिन इवन व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड एज एनालॉग इनपुट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेस को हमने याद रखना है, ट्रेस इधर तो नहीं हमें नजर आया इसके सेटिंग्स में लेकिन ट्रेस डिजिटल वाले पार्ट का था, लेकिन स्टिल हमें ट्रेस का इनपुट के तौर पर करना है। और ये जो पोर्ट एनालॉग कंट्रोल की है ये उसकी एनालॉग कॉन्फ़िगरेशन करती है। ये देखें ये इसकी डायग्राम है इस हार्डवेयर की, एनालॉग सिलेक्शन, एनालॉग सिलेक्शन क्या कर रही है, जब ये जीरो है तो ये वाली पोर्ट हमारी कनेक्ट हो रहेगी और जब वन है तो एडीसी के साथ कनेक्शन हो रहेगा। और ट्रेस क्या कर रहा है ये देखें, ट्रेस पीछे है, ये ट्रेस अगर इनपुट के तौर पर नहीं होगा तो क्या होगा, ये बेचारा हो सकता है आउटपुट के साथ ही जुड़ा हो ये कनेक्शन, तो आपने इसे एनालॉग के तौर पे कर भी लिया, ये वाला पाथ कर भी लिया लेकिन ये आते आते बेचारा इधर हवा में ही होगा, तो ट्रेस को जब इन करेंगे तो ये वाला पाथ हमारा इधर जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तब ये पाथ हमारा एडीसी तक का कंप्लीट होगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। ये टेबल है हमारा, ये सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स थोड़ी सी हटके है, ये कॉम्बिनेशंस में कंट्रोल कर रही है कि एनालॉग और डिजिटल वाली। ये देखें जब हम सेट करेंगे ना 0111 तो 0111 का मतलब होगा कि नीचे वाले जो चैनल्स हैं हमारे कौन से 8 चैनल्स जो नीचे वाले हैं वो एनालॉग हो रहे हैं और ऊपर वाले सारे डिजिटल हो रहे हैं। ये देखें तो ये सारे एनालॉग बाकी डिजिटल, और अगर हम ये वाला कर लेंगे काम तो ये चेंज होता जाएगा। अब देखें जब हमारे ऑल वंस हैं तो सबके सब डिजिटल है, जो तमाम जीरो तो सबके सब हमारे एनालॉग है, और इन बिटवीन अगर आप कहते हैं कि यार मैंने, अब देखें इसमें होगा क्या, अगर आप कहते हैं कि यार मैंने एनालॉग का चैनल 8 यूज करना है तो एनालॉग का चैनल 8 को यूज करने के लिए कौन कौन सी कॉम्बिनेशन है मेरे पॉसिबल, जब ये होगा तब भी 8 अवेलेबल है, ये होगा तो ये भी अवेलेबल है, तो 8 जब मैंने यूज करना है तो देखें उसके वर्चू से मुझे उसके नीचे वाले भी सारे एनालॉग के तौर पे कॉन्फ़िगर करने पड़ रहे हैं। तो इसमें आप ना रैंडमली चूज ना की रहेगा कि यार मैं जैसे डिजिटल आयोज में था ना जी 6 पिन यूज कर लीजिए 7 कर ले, एनालॉग चैनल में ना आप तरतीब में ही चले कि 0 1 0 को पहले यूज कर लें, फिर उसके बाद 1 को कर लें, फिर 2 को कर लें, नहीं तो मसला क्या होगा, ये जब आप बीच में से उठा के 8वां करेंगे ना तो 8वें से नीचे वाले भी बाकी तमाम भी डिजिटल के तौर पर अवेलेबल नहीं रहेंगे फिर आपके लिए, ये एक खास पॉइंट है याद रखने का। तो आप क्या करें नीचे से शुरू करें कि यार मुझे एनालॉग चैनल 0 चाहिए, तो ये सेटिंग कौन सी होगी ना 1111 की, ये सिर्फ पहले चैनल को कर देगी, जब आप 0011 करेंगे तो पहले 2 को कर देगी,
फिर अगले तीन को, फिर चार को बढ़ता रहेगा काम, और जब सारे मंथ करेंगे तो कोई भी ये जो पिंस कॉरेस्पॉन्डिंग इनके साथ जो डिजिटल थी ना वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। आपने कहा यार आपने बड़ी सारी दिखाई, यार मैं सर को यूज करके दिखाता हूं दसवां चैनल, वो आपने दसवां चैनल के लिए सेटिंग तो कर दी है, लेकिन आप शायद सिर्फ दसवां यूज करना चाह रहे थे, उसने क्या किया, उन्होंने जो बाकी के थे उनको भी एनालॉग बना दिया। तो ये एक पॉइंट इसमें याद रखने का है। इसके साथ ही हमारा यहां क्लोज होता है लेक्चर, और अगले में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।